हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केसरवानी अकेडमी में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में क्लाउड कंप्यूटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी और क्लाउड कंप्यूटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है वो वीडियो मैंने बना रखी है। मैं आपको ऊपर आई बटन पर लिंक भी दे रहा हूँ उस वीडियो को। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि करेक्टरिस्टिक क्या होती है क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज। इस करेक्टरिस्टिक का ये मतलब होता है कि जैसे मुझे आवश्यकता पड़ती है रिसोर्सेज की, वर्चुअल मशीन की, स्टोरेज की, तो मैं क्या करूँगा, मुझे क्या करना है कि मैं सर्विस प्रोवाइडर से हेल्प मांगूंगा और जितने टाइम के लिए भी मुझे चाहिए, जैसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, एक दिन, दो दिन, जितने टाइम के लिए भी मुझे इन रिसोर्सेज का यूज करना है, मैं उतने टाइम के लिए उनको पे करूंगा, पैसे दूंगा और फिर इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज करूंगा। तो यही सबसे अच्छी करेक्टरिस्टिक होती है कि आप ऑन डिमांड डिमांड करिए, जितने भी टाइम के लिए आपको यूज करना है क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को आप यूज करिए और उतना पे कर दीजिए जितना आपका कॉस्ट आया। तो एक ये बढ़िया करेक्टरिस्टिक हो गई। सेकंड करेक्टरिस्टिक है ब्रॉड नेटवर्क एक्सेस। इसमें देखिए आपको चार चीज़ें याद रखनी है। चार चीज़ें कौन कौन सी, कि आप किसी भी जगह पे एक्सेस कर सकते हैं इस सर्विसेज को क्लाउड कंप्यूटिंग की। सेकंड आपको याद रखना है किसी भी टाइम पे आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। थर्ड याद रखना है आपको किसी भी डिवाइस में, मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया, किसी भी डिवाइस में आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और फोर्थ हो गया इंपॉर्टेंट जो है, आप कोई भी नेटवर्क हो, किसी भी नेटवर्क में आप क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज का यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो ये आपका हो गया सेकंड करेक्टरिस्टिक। थर्ड है रैपिड इलास्टिसिटी। इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बता रखा है कि स्केल अप क्या होता है, स्केल डाउन क्या होता है, स्केलेबिलिटी मैंने बता रखा है। तो मैं आपको फिर बता दे रहा हूं कि देखो रैपिड इलास्टिसिटी में आपको यह बताना है कि जैसे मेरी कोई वेबसाइट है, मैं होस्ट कर रहा हूं, अब एक टाइम पे क्या हुआ कि मेरे वेबसाइट पे इतने टाइम पे कोई एक प्रॉपर टाइम है 1 बजे से 2 बजे तक, इस टाइम पे मेरे वेबसाइट पे सर्वर आते हैं 100। अब क्या होगा कि जैसे 1 से 2 बजे तक 100 आते हैं सर्वर, अब 2 से 3 बजे तक ये 100 से 1000 हो जाते हैं। तो मैंने एक मैक्सिमम क्राइटेरिया दे रखा था कि मेरे वेबसाइट पे 100 सर्वर आ सकते हैं। अब लेकिन मेरे वेबसाइट पे 2 से 3 बजे तक लॉगिन क्राइटेरिया जो है सर्वर्स का वो 1000 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, स्केल अप कर दूंगा, मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज का यूज करके स्केल अप कर दूंगा। स्केल अप का मतलब यही होता है कि जिस टाइम पे मुझे आवश्यकता पड़ रही है कि हाँ मेरे वेबसाइट पे सर्वर्स ज्यादा आ रहे हैं, तो मैं क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से स्केल अप कर दूंगा, अपने क्राइटेरिया जो है इंक्रीज कर दूंगा सर्वर्स का कि और लोग मेरे वेबसाइट पे आके विजिट कर सके। और स्केल डाउन का मतलब क्या होता है कि जैसे वो 1000 सर्वर आ रहे थे 2 से 3 बजे तक, अब 3 से 4 बजे तक वो 1000 सर्वर से 700 हो गए, तो यहाँ पे 300 सर्वर जो है वो कम पड़ गए। तो अब मैं मैक्सिमम क्राइटेरिया रख दूंगा कि हाँ अब मेरे वेबसाइट पे 700 से ज्यादा लोग नहीं लॉगिन कर सकते हैं। तो ये हो गया स्केल डाउन की प्रॉपर्टी। आप क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज की मदद से आप स्केल अप भी कर सकते हैं, स्केल डाउन भी कर सकते हैं। तो ये आपकी एक अच्छी करेक्टरिस्टिक हो गई। ये आपकी आती है थर्ड करेक्टरिस्टिक में रैपिड इलास्टिसिटी में। फोर्थ करेक्टरिस्टिक है मेजर्ड सर्विसेज। मेजर सर्विसेज में आपको बताना है पे एज मच एज यू यूज द सर्विसेज। इसका मतलब ये है कि मैंने जैसे यूज किया रिसोर्सेज का, स्टोरेज का, वर्चुअल मशीन का, तो उनका जो भी कॉस्ट आया होगा, जितने भी टाइम के लिए मैंने यूज किया, 1 दिन 2 दिन 5 दिन 10 दिन, जितने टाइम के लिए भी मैंने यूज किया, जितना भी कॉस्ट आया होगा, मैं वो कॉस्ट को दे दूंगा जो सर्विस प्रोवाइडर है जो मुझे प्रोवाइड करा रहे हैं ये सब चीज़ें, ये सर्विसेज, उनको मैं पे कर दूंगा जितना भी कॉस्ट आया होगा। तो एक ये अच्छी चीज़ है कि आप एक छोटे से छोटे टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज को और एक लॉन्ग टाइम के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छी चीज हो गई। और एक चीज और बताना चाहूंगा फर्स्ट करेक्टरिस्टिक में ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज में, कि देखिए जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है और हमारे बीच में कोई थर्ड पर्सन नहीं आता है, मैं सीधे सर्विस प्रोवाइडर से कहूंगा कि मुझे ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराइए, स्टोरेज रिसोर्सेज, वर्चुअल मशीन, वो मुझे सीधे प्रोवाइड कराएगा, जितना भी इसका कॉस्ट आएगा मैं उसको पे कर दूंगा, कोई थर्ड पार्टी की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे हमारी एक दूसरे से इंटरेक्शन होता है, आपस में पे किया और मैंने उसकी सर्विसेज का यूज किया, बस ये चीज़ होती है। अब देखिए फिफ्थ आती है करेक्टरिस्टिक नो मेंटेनेंस। नो मेंटेनेंस में आपको बताना है डजंट रिक्वायर मेंटेनेंस। इसमें आपको ये बताना है कि हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती है मेंटेनेंस की, और अगर कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं इन सब चीज़ों में क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विसेज में, तो वो काम जो है सही करने का सर्विस प्रोवाइडर का होता है। हमारा काम क्या होता है कि हमने उसे पैसे दिए, पे किया और उसके सर्विसेज का हमने यूज किया, बस ये काम होता है हमारा। तो एक ये अच्छी चीज़ हो गई। सिक्स है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में आपको बताना है आवर डाटा आर सेव्ड ऑन वेरियस सर्वर्स। देखिए एक जगह तो हमारा डाटा जो है कॉपी किया नहीं जाएगा, वो अलग अलग सर्वर्स में कॉपी कर दिया जाता है। अगर कोई भी हमारा सर्वर जो है खराब भी हो गया, एक सर्वर खराब भी हो गया, तो हमारे डाटा जो है वो बिल्कुल सेफ रहे और हमें बाद में वो फिच करने के लिए मिल जाए। तो ये अच्छी चीज़ होती है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज में, अगर कोई भी सर्वर खराब हो जाता है एक, तो आपका डाटा जो है वो दूसरे सर्वर पर भी कॉपी रहता है। तो ये आपकी आती है करेक्टरिस्टिक में क्लाउड कंप्यूटिंग की। बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।